ये मुद्दे उठाए गए थे इस बार बीजेपी के द्वारा, जिस तरह का ध्रुवीकरण किया गया था, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम किया और आने वाले चुनाव में जो इसे और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करेगी बीजेपी? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले, पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा। और यहां से हमने बीजेपी को हराया। अब दूसरी जगह का ये एक म्यूनिसिपल इलेक्शन है, मुझे यकीन है कि मुझे कोई बता रहे थे कि मिस्टर केटी रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने पीसी में कुछ बातें कही हैं, और मुझे यकीन है कि एक के चंद्रशेखर राव बहुत ही मंजेवे सियासतदान है, वो डायरेक्ट हर चीज का चार्ज लेंगे और वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके पार्टी का मामला है। अब जहां तक बीजेपी का मामला है, वो तो यही बात करती आएगी ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिन्ना बोले, पब्लिक बोली जिन्ना नहीं, वो हमारा जीना मरना है, और एतमाद हम पर किया, हम कोर्ट दिया, तो ये तो चलता है। बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहां बदलेगी बीजेपी? सर, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और AIMIM को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो GHMC का इलाका था वहां पर जो है, अब देखिए, अब ऐसा है ना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मेरी मैं जिम्मेदार हूँ। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहां से गया होगा, अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए ओ इसी के घर में ऐसा हुआ फुला, अरे मैं कहां जिम्मेदार हूं, मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे भाई, दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है, हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर, हाँ ये भी तो सोचो आप। बीजेपी जहां MIM का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और MIM को टारगेट कर रही थी और ये अचीवमेंट उसको मिला, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें? अरे आप मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे, माने बीजेपी आपको, आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस थे मेरे को मालूम, नहीं मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप भाई, मेरा नाम कब तक लेंगे भाई, वहां पर जब हम जो 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे भाई, मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह बीजेपी जीती बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको, मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी, MIM करना गलत है, वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और अगर कर भी रहे हैं तो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा देखना आप। सर जिस पार्टी की आप, अरे उनको बोले दो हमारे, अगर आप TRS से हाथ मिलाते हैं GHMC इलेक्शन में, TRS के पास जाएंगे या TRS आपके पास बुलाएंगे? हाथ मिलाते GHMC इलेक्शन में अभी जो हुआ है चुनाव में, सर अभी तो फंस गया ना मामला, अभी फंस गया ना सर, फंस गया ना सर, अगर उनके पास तो 30 एक्स-ऑफिशियो वोट्स है, अगर वो भी कार की चाबी, कार की चाबी और स्टीयरिंग नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं गाड़ी, मेरी गाड़ी में बैठो आप, आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे, वायरल बना रहे, अरे क्या बात है, कोई बात है, अरे कोई नहीं है, हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है, क्या हम क्या भूखे फकीर है, गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल फिरा, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या सुनिए एक बात सुनिए, ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर 650 किलोमीटर फिरा हूं, अब बोलो आप, और 65 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया मैं, अब रहा सवाल कि आपका इनडायरेक्ट, नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है, मैं आप तमाम को दावत दूंगा, अगर कभी बैठना है तो आइए, लिख जाता हूँ आपको, हैदराबाद का दिखाता हूँ आपको, यू नो
जहां तक मेयर डिप्टी मेयर का सवाल है, आप टाइम दीजिए, कल मिलेंगे, थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा उसको एंजॉय। नहीं नहीं गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी देखिए देखिए सुनिए, जहां तक MIM पार्टी का जो डिसीजन होगा वो हम, मैंने फिर से आपको रिटिरेट कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि हम अपने पार्टी के MLA से, MLC से, पार्टी के सीनियर लीडर से, हमारे पास एक प्रोसेस है, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। इतनी जल्दी क्यों आपको है हेडलाइन न्यूज आप जब बनाइए अभी क्यों बनाएंगे? सर खुशी का मौका है, सर आपके लिए खुशी का मौका है, बहुत खुश हैं। TRS हारी है, आपकी दोस्त है हारी है, आपको फिर भी खुश है, बताइए। नहीं देखिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप बोलिए, क्या आपने क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं अरे अरे देखिए ना, बगैर आपके सपोर्ट के तो आगे नहीं बढ़ सकते। अरे अरे भाई साहब ये तो अभी तो इस रात को तो गुजरने दीजिए, कल सुबह का सूरज नया निकलेगा, कल बात करेंगे, बात करके पार्टी में क्या होगा, क्या करना है, कैसा करना है, हम कहाँ छोड़ के भागेंगे आपको, ना आप छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे आपको, फिक्र मत करिए। ऑलरेडी कॉल नहीं आया है आपको, कॉल मेरा फोन आप रख लो, सुबह तक अगर आप सो गए तो आप मेरे को सुबह ला के दे दो, आप रख लीजिए फोन, मैं देने तैयार हूँ आपको मेरा फोन। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यकीनन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि के चंद्रशेखर राव एक ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है, और वो जब सामने आएंगे और आ रहे हैं वो देखेंगे उनकी पार्टी का मसला है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। TRS अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है, उस बात को आपको समझना है। और यकीनन उनको नहीं मिली वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली, मुझे यकीन है कि KCR इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूं, जब मैं MLA था अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूं वो देखेंगे।